तो सचिन पायलट का अशोक गहलोत पर एक और बार हमला। उन्होंने कहा कि सीएम के नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि 11 मई को जन संघर्ष पद यात्रा की शुरुआत अजमेर से करेंगे, जो 125 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें पायलट जनता के बीच जाकर उनकी शिकायतें सुनेंगे। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी अदावत कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर इस साल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले सचिन पायलट सामने आकर खुलकर उन्होंने अशोक गहलोत के बारे में ये सब बातें कही। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी के साथ सभी प्रमुख पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर सचिन पायलट ने ये बड़ी बातें कही। आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आशुतोष, आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ये कहें इस रार में एक कदम आगे चले गए, गहलोत का नेता सोनिया गांधी को ना बताकर वसुंधरा को बता दिया। आप देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से मुखर होते हुए दिखाई दिए हैं सचिन पायलट आज की प्रेस वार्ता में। और धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से आरोप लगाए, सबसे पहले तो शुरुआत की गई जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लेके जो पूरा घमासान चल रहा है, शुरुआत की गई इस प्रेस वार्ता की वहाँ से, यानी कि अपनी पार्टी से शुरू की गई। और फिर जो आरोप लगाए गए मुख्यमंत्री की तरफ से उनको लेके जवाब दिया गया, पूरी तरीके से निराधार बताया गया उनको, और गंभीर आरोप इनकी तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो नेता हैं वो सोनिया गांधी ना होके वसुंधरा राजे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब तक मैं पिछले तकरीबन 3 साल से भ्रष्टाचार को लेकर, राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हुआ वसुंधरा राजे सरकार में, उसको लेकर तमाम जो चिट्ठियाँ लिख रहे थे, तमाम जो शिकायतें दे रहे थे, उनको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी, वो सचिन पायलट को अब समझ आ रहा है कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो राजनीतिक भूचाल इस समय राजस्थान में आया हुआ, उसको लेकर एक बड़ा ऐलान सचिन पायलट की तरफ से किया गया है। 11 मई को RPSC अजमेर से एक पैदल यात्रा निकाली जाएगी और ये कहा गया है कि ये पार्टी, ये जो पैदल यात्रा होगी ये किसी के विरोध में नहीं है, ये है बेरोजगारों के साथ में, ये है जनता के साथ में। राजस्थान में लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके लिए ये पैदल यात्रा है। लेकिन जहां तक सियासी पंडितों की बात करें, राजनीतिक एक्सपर्ट्स की बात करें, वो कह रहे हैं कि ये किसी ना किसी तरफ इशारा कर रहे हैं उनके तमाम विधायकों पर। देखना होगा अब यहाँ से किस तरह से राजनीति राजस्थान की बदलती है। शुक्रिया आपका।